नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए तैयारियां तेज। राम मंदिर ट्रस्ट को ट्रांसफर की गई 67 एकड़ जमीन। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुँचेंगे अयोध्या। राम मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा समेत विश्व हिंदू परिषद के 4 नेताओं को भी मिला न्योता। कोरोना के चलते भूमि पूजन के कार्यक्रम में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के शामिल होने पर सस्पेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हो सकते हैं दोनों नेता। राम मंदिर निर्माण पर शुरू हुई श्रेय लेने की सियासत। दिग्विजय का बयान, राजीव गांधी भी चाहते थे बने राम मंदिर। शिलान्यास के मुहूर्त को लेकर फिर उठाए सवाल। राम मंदिर पर दिग्विजय के बयान पर भड़के जयभान सिंह पवैया। आतंकियों के वध पर रोने वाले कार सेवकों के बलिदान पर चुप क्यों। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने खेला सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड। 4 अगस्त की शाम को कांग्रेस मनाएगी प्रदेश भर में राम उत्सव। भोपाल में कमलनाथ के घर पर विशेष पूजा। राम मंदिर निर्माण के लिए सोने की ईंट देना चाहते हैं बाबर के वंशज प्रिंस हबीबुद्दीन तुसी। वेब दुनिया से बोले, बाबर के नाम पर लगे कलंक को धोने की कोशिश। सुशांत सुसाइड केस की सीबीआई जांच के लिए बिहार सरकार कर सकती है सिफारिश। बोले सीएम नीतीश कुमार, पिता करेंगे मांग तो सिफारिश संभव। सुशांत सुसाइड केस में बहन श्वेता ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, आप कहीं ना कहीं सच के साथ खड़े होंगे, उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं होगी। सुशांत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती पर बिहार पुलिस का शिकंजा। दिल बेचारा के कलाकारों से पूछताछ करने की तैयारी। मुंबई में सुशांत के फ्लैट की ली तलाशी। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 57,886 नए कोरोना केस आए सामने। 17 लाख के पार पहुंचा संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 764 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना को काबू में करने के लिए मोदी के मंत्री ने की केजरीवाल सरकार की तारीफ। बोले मंत्री किशन रेड्डी, वायरस को कंट्रोल करने के लिए सभी राज्यों को अपनाना चाहिए दिल्ली मॉडल। मध्य प्रदेश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनी राजधानी भोपाल। इंदौर को पछाड़कर एक्टिव केस में 2,500 से अधिक मामलों के साथ सबसे ऊपर। शनिवार को फिर मिले 168 से अधिक मामले। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का सिंगापुर में निधन। किडनी का चल रहा था इलाज। कई नेताओं ने निधन पर जताया शोक। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी को जान से मारने की धमकी। फोन कर मांगी 2 लाख की रंगदारी। धमकी के बाद बढ़ाई गई विधायक की सुरक्षा। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान में बागी विधायकों के खिलाफ नरम पड़े मुख्यमंत्री गहलोत के तेवर। कहा, अगर आला कमान से मिलेगी माफी तो मैं भी गले लगाने को तैयार। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड के कैंपस में क्रेन गिरने से बड़ा हादसा। 11 की मौत। क्रेन के ओवरलोड होने से हादसे की आशंका। मध्य प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून। भोपाल में गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग का कई संभागों में भारी बारिश का अलर्ट। फिल्म शकुंतला देवी को वेब दुनिया ने दिए 3 स्टार। शकुंतला देवी की निजी जिंदगी के बारे में फिल्म करती है चौंकाने वाले खुलासे। विद्या बालन की एक्टिंग देखने लायक। फिल्म रात अकेली है को वेब दुनिया ने दिए 3 स्टार। क्लाइमेक्स करता है निराश, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अदाकारी और सदा हुआ निर्देशन बांध कर रखता है दर्शकों को। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए वेब दुनिया .com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।